नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आती सारी से एक बार फिर आपके सामने कुछ और डिजाइन लेके, कुछ नए डिजाइन, कुछ मेक्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुझे बेचने होते हैं। मेरे पास सिंगल सिंगल पीस रह जाते हैं, खत्म करने होते हैं, क्योंकि मैं तो रोज कुछ ना कुछ बनाना है। अब जब बनाते हैं तो कुछ, इससे पहले सबसे पहले तो मैं भी वीडियो अपनी शेयर कर देता हूँ, और प्लीज आप भी वहाँ पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू रेशम जी, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, और कल भी कुछ लोगों ने शेयर्स करी थी, तो उन सबके भी जो गिफ्ट निकले हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। एक दो कस्टमर्स के जिनके निकले तो उन्होंने आज तक अपना एड्रेस फोन नंबर नहीं दिया है कि मैं उनको भेज सकूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और हफ्ते भर वेट करूंगा, लेकिन उसके बाद वो मैं खत्म कर दूंगा, मतलब उनका नाम हटा दूंगा। खत्म करने से मतलब ये कि वो शेयरिंग का जो इनाम था वो नहीं बेच पाऊंगा। आप ये देखिए, और आप लोग भी शेयर कर दीजिए। मैंने एक वो निकाला हुआ है, मैं पीछे काफी सारे बहुत सारे मंगलसूत्र ले आया था, तो कुछ कस्टमर ने कहा हम मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है तो गिफ्ट कर दो, बहन होगी, भाभी होगी, किसी को भी आप दे सकते हो, कोई फ्रेंड को दे सकते हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं वो लेके आया हूँ, मेरे पास तो काफी सारे, मैं बल्क में ले आया था तो सदर से देने के लिए। अब ये समझिए प्लीज, तो मैं क्या करूंगा, आदमी ले तो आता है बल्क में, जैसे मैंने पीस बना लिया, बल्क में बनाया, काफी सारे बिक गए, एक दो पीस रह गए, वो बेचने होता है, कम ज्यादा करके बेचते हैं। जैसे मैं गिफ्ट ले आया ऑलरेडी, पहले तो वही खत्म करूंगा ना, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे मुझे क्या लेके आना है क्या नहीं। जैसे कल मैंने किया था, एक ब्लाउज का वो किया था, कि ब्लाउज जो पांच पहले पेमेंट करेंगे उसको एक ब्लाउज गिफ्ट दूंगा, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और कई लोग बाद में नाराज भी हुए कि भैया हमने पेमेंट कर लिया, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है सोचने में, पैसा वो रह गया तो रह गया, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वो सब सही है। एक सेकंड में पहले तो हेलो रूही जी, काफी सारे हैं, हेलो जयश्री जी और रेशम जी, हेलो हेलो रुखसार जी, हेलो विजय लक्ष्मी जी, रूही जी लहंगे भी मैं लेके आया हूँ, नॉन ब्राइडल भी लेके आया हूँ, और वेडिंग लहंगे भी नए डिजाइन लेके आया हूँ जो मैंने अभी तक शो नहीं करे हैं। हेलो मिलिंद जी, हेलो जया जी, सभी को हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले मैं यही दिखा देता हूँ जो सामने है, उसके बाद मैं इसके भी मैं दो तीन डिजाइन लेके आया हूँ, अलग अलग, तीनों कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, अलग चीज है, डिजाइन बहुत अच्छे। ऊपर तो ये मल्टी रेशम, ये देखिए तो मल्टी रेशम का ब्लाउज बना हुआ है, ये फ्रंट हो गया, इस तरीके के पैटर्न चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में है। ये मत कहिए कि हमारे यहाँ ये इस तरह से नहीं पहना जाता, क्योंकि फैशन में आप फैशन के हिसाब से चलोगे, तो मैंने बनाया हुआ अपने हिसाब से जो डिजाइन मुझे अच्छा लगा इसमें, और जो फैशन में है, इस तरीके से फ्रंट हो गया और ये इसकी बैक हो गई, ये बैक हो गई, हमने चूड़ी 38 साइज पे बने होते हैं तो उस हिसाब से क्रेप लगाई हुई है, और ये यहाँ पे ये देखिए जिसका दुपट्टा हो गया, इसमें एक कलर ये हो गया। भैया इसका ना दूसरा पीस देना इसी डिजाइन का। अच्छा, काफी सारे कस्टमर, काफी हाँ वो निकाल के देना पड़ेगा, काफी सारे कस्टमर आते हैं कहते हैं भैया जहाँ आपने वीडियो बनाई थी वो हमें जगह नजर नहीं आ रही। एक्चुअल में होता है रिटेल में जो कस्टमर आता है, रख दीजिए भैया दूसरा पीस भी निकाल के रख दीजिए, और इंची टेप वहां से निकाल के दे दो। तो जो भी कस्टमर आते हैं वो कहते हैं वीडियो में यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे बना रहा हूँ। कस्टमर आते हैं जो रिटेल कस्टमर होता है, रिटेल कस्टमर्स भी हम अटेंड करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो नीचे अटेंड करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहां पे इस समय भी कस्टमर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं वहां पे वीडियो नहीं दिखा सकता। एक बार ना आप जाके जरा निगाह मारना कि मैं नीचे लाइव में दिखा सकता हूँ ले जाके वीडियो, तो ये हो सकता है, तो मैं वहां पे दिखा दूंगा कि किस तरीके से होता है, कस्टमर को आइडिया लग जाता है। बाकी जैसे होलसेल आया तो फिलहाल मैंने उस साइड बिल्डिंग में जो हमारे बराबर में है वहां पे शिफ्ट किया हो, तो वहां पे दिखा रहे हैं, वहां का दिखा नहीं सकता, दिखा तो सकता हूँ लेकिन वहां पे क्या पूर्व में, अच्छा फिलहाल एक ही है तो वहां पे क्या पूरे में पन्नी भरी हुई, पन्नियों में ब्लाउज वगैरह हम इस तरीके से भरे रखते हैं, जो भी माल आता है सारी बन के आती है वो रखते रहते हैं।
ये देखिए इसमें दूसरा कलर, पहले 30 ले लीजिए, मैं इसके फिर नाप के फिर आपको इसके प्राइस बताऊंगा। 2100 रुपीज, 2100 रुपए इंक्लूडिंग GST। आप मेरी शॉप पे आते हैं तो 2100 रुपए और इसमें कोरियर चार्जेस जो भी लगेंगे वो भैया वेट करके या लंबाई नाप के जो भी साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली लगता है। 200-250 रुपए के आसपास होना चाहिए, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये ब्लाउज रहा, ब्लाउज का साइज यहाँ से ये देखिए इस तरीके से हम ये नापते हैं। वो जो मैं कह रहा था 19x38 38 पर बना हुआ पीस, ठीक है। और इसमें आवाज स्लो है मेरी, ऐसा तो नहीं यहाँ से वो हो गया, देखना तो स्मार्टफोन देखिए इस समय तो कोशिश करके मैं थोड़ा सा तेज भी बोलता हूँ, इसको थोड़ा सा तार को दोनों को सही कर लीजिए यहाँ से नीचे से। और बाकी ये है इसका सेल जो है, सेल चेंज करने का याद रखिएगा। अंदर दोनों साइड देखिए मार्जिन है, 4 इंच का इधर है और 4 इंच का इधर है, तो हम इसे 3-3 इंच मतलब 3 इंच 3 इंच मानते हैं। तो ये 44 तक ओपन हो सकता है, बहुत ईजी है, 44 तक ये ओपन हो सकता है, डिपेंड करता है फैब्रिक के ऊपर, तो उस तरीके से 44 तक ओपन हो सकता है। ये इसका ब्लाउज हो गया और इसका कलर भी, मतलब कलर भी और ब्लाउज दोनों चाहिए, एक साइड दिखा दूंगा मैं आपको। ये इसका दुपट्टा रानी कलर, इसमें 4 कलर आए हैं। अच्छा कंटिन्यूस बुकिंग आ रही है, कंटिन्यूस बुकिंग आ रही है, हो सकता है जल्द से जल्द डिसीजन लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए। ये इसमें स्लीव्स के लिए दिया हुआ है, ऑल्दो इसके संग अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि बनाया इस पैटर्न पे हुआ है, लेकिन फिर भी यदि किसी को लगानी है तो स्लीव्स के लिए फैब्रिक सब में दिया हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से लुक आती है, फ्लेयर बहुत अच्छा है, ऊपर फिनिशिंग करी हुई है जॉर्जेट के ऊपर, फॉक्स जॉर्जेट के ऊपर। और ये सामने देखिए पूरे में, मैं पास से लाके आपको क्लोजअप दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 2100 रुपीज इंक्लूडिंग GST एट माई शॉप, और आप कोरियर से मंगाएंगे तो पैसे अलग से लगेंगे। इसकी लेंथ यहाँ से 44, ये देखिए मेरे भी अभाव है, मेरी बेल्ट में यहाँ बांधता हूँ तो ये लंबा है, 44 पे होते हैं। हाइट के एडजस्टमेंट आप खुद कराएंगे, मेरे पास भी आप कराते हैं हाइट के एडजस्टमेंट, मान लो रिटेल में जैसे मेरे पास आते हैं तो वो हम उस चार्जेबल है, दैट इज पेड, फ्री नहीं है, वो भी पेड है क्योंकि मुझे भी आगे टेलर को देना होता है। तो आप भी अपने कस्टमर को जब दें तो ये समझा के दीजिएगा। काफी सारे लोग ये जरूर कहते हैं कि आप होलसेल और रिटेल एक ही प्राइस में दे देते हैं, दे देते हैं क्या दिक्कत है, मेरे पास सारे कस्टमर तो आते ही हैं, और ऑनलाइन रिटेल कस्टमर को लेना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, जब तक आप रिटर्न पॉलिसी नहीं दोगे ना तो वो दिक्कत नहीं होती। और हम क्या कहते हैं 100% पीस चेक करके बेचते हैं, 101% पीस चेक करके बेचते हैं, साइज नाप के बता रहा हूँ। अब उसके बाद कोई कहता है कि मेरे आ नहीं रहा, लेट अस सपोज किसी का साइज 46 है, 44 मैंने यहाँ बता दिया कि 44 तो बहुत इजीली आ जाएगा, तो सर वो मेरा फॉल्ट नहीं है, पीस यहाँ से डिफेक्ट है तो आई एम रेस्पॉन्सिबल। लेकिन उसके लिए भी आपके पास पार्सल ओपनिंग वीडियो होनी चाहिए, पार्सल ओपन करते समय किसी भी बच्चे को, किसी को भी आप कह सकते हैं कि आप वीडियो बनाओ, पार्सल ओपनिंग चाहो तो उससे पार्सल पैक है, पार्सल ओपनिंग वीडियो आपने बनाई कि इसमें डैमेज निकला है 99%, मैं 9 कहना तो मुझे 100% चाहिए लेकिन फिर भी मैं 99% कर रहा हूँ, 1% गलती स्टाफ से ही हो सकती है कि किसी स्टाफ ने चेक करते समय गलती कर दी, आपके पास डिफेक्ट आ गया, तो आई एम 100% लाइबल, मैं 100% लाइबल हूँ उसके लिए। एक आपके साथ ऐसा भी हुआ कि वो उसको पीस दूसरा मिला, कोरियर बॉय ने कहीं पे भी होता है कोई खास बात थोड़ी है चेंज कर दिया, किसी ने किसी यहाँ से हमने शिफ्ट किया वहां पे पहुंचा, कई लोग कहते कहते सर आपका कोरियर बॉय, ऐसा मेरा कोरियर बॉय नहीं है, आप ये समझिए हर ये ना कोरियर कंपनी यूज करता है, आपने पोस्ट ऑफिस से डाक भेजी, आपको पता है कि किसने यहाँ से लेके गया, कौन किस किस हाथों से निकली और वहां पे कौन डिलीवर करेगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल यार। ये देखिए ये इसके संग एक पिस्ता कलर, 4 कलर है, इस पिस्ता के संग ये ब्लैक है और उसके संग ये नेवी, तो 2 के संग नेवी है, 2 के संग ये ब्लैक ब्लाउज है और बहुत बढ़िया गेटअप आ रहा है इसमें। ये इसके बाई चांस ये देखिए स्लीव्स का भी फैब्रिक बाहर निकला हुआ, स्लीव्स सबके में बाहर निकला, बहुत प्यारा पीस,
2100 rupees including GST. आप कोरियर से मंगाते हैं तो मैं समझता हूँ 200 रुपए में चला जाना चाहिए. आई थिंक 200 रुपए में प्लस तो 200 रुपीज और प्लस होंगे तो 300 रुपए. और वो स्कीम तो वो ब्लाउज कहाँ पे भैया? वो ब्लाउज चलिए मैं खा लेता हूँ. खोलो ये आज भी है जो फर्स्ट फाइव जो पहले 5 आदमी होंगे जो जल्दी पेमेंट करेंगे उनको ये आज भी एक ब्लाउज गिफ्ट निकलेगा. भेजूंगा कल भी भेजे थे मैंने तो जो बाद में लेट हो गए उन्होंने लेट पेमेंट करी सॉरी उनके लिए जो पहले करेगा. इसमें भी ऐसा होता है कि काफी सारे लोग कहते हैं कि वो कहानी नहीं सुनती. पहले मैं आपको इसमें के 2 डिजाइन और लेके आया हूँ बाद में दिखाऊंगा. पहले मैं कुछ रेडीमेड साइज दिखा रहा हूँ जो मैंने एक एक पीस मेरे पास बचे हुए हैं मैं दे रहा हूँ डिस्काउंट कर करके. अब ये देखिए और मैं आपको पहले ब्लाउज दिखाता हूँ वही ये सीक्वेंस का ब्लाउज ये देखिए सीक्वेंस का ब्लाउज फ्रंट बैक दोनों साइड. अब लोग क्या करते हैं इसमें भी ब्लाउज में पीछे प्लेन कर दिया. हम प्लेन नहीं कर रहे हम ये 38 साइज पे बना हुआ ये जो ओपन होगा ये 42 तक ओपन हो सकता है बस ये 42 से ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा. मैं आपको साइज भी बता के दे रहा हूँ सबके 42 से ऊपर नहीं जाएगा. और इसके संग ये साड़ी लगाइए बहुत बढ़िया गेटअप आ रहा है इसमें. ये भी इम्पोर्टेड फैब्रिक है लेकिन लैकरा नहीं है लेकिन ये भी रिंकल फ्री फैब्रिक है. ये देखिए रिंकल फ्री फैब्रिक है और 1 मिनट साड़ी है. 1 मिनट साड़ी में क्या खास बात होती है देखिए है वो भी 1 मिनट उसमें फिल दी हुई है. इस बेल्ट इसमें भी है उसमें इसमें बेल्ट मतलब इसमें फिल नहीं है. इसको इजीली आपको सिर्फ नीचे से हाइट कस्टमर करवाइएगा ये भी टेलर से खुद मत करिएगा. टेलर से हाइट की एडजस्टमेंट बहुत इजी है इसमें ठीक है. और ये डिस्काउंट करने के बाद मैं आपको फाइनल रेट बता रहा हूँ चूंकि सिंगल पीस है लास्ट में खत्म कर रहा हूँ. थे तो बहुत महंगे महंगे लेकिन अब वो छोड़ो क्योंकि किसी में क्या होता है 200 घटाए किसी में 300 घटाए किसी में 500 भी घटाने पड़ते हैं कई बार 1000 भी घटाने पड़ते हैं. डिपेंड करता है कि उस पीस की आज की डेट में कहां तक जाके हमें डाउन करके देना है वो कॉस्टिंग मत पूछिए. ये 1000 रुपीज इंक्लूडिंग GST में दूंगा. कोरियर चार्जेस इस पे आपको 100 रुपए और देने हैं यदि आप कोरियर से मंगवाते हैं तो. और हो शॉप पे आते हैं तो 1000 रुपीज लेकिन शॉप पे आने तक मेरे ख्याल से बचेगा नहीं पीस हाथों हाथ खत्म हो जाते हैं. लोग बहुत जल्दी जल्दी बुकिंग करा रहे हैं और अब जो जितनी पहले पेमेंट करेगा जितनी पहले वो होगा उसको वो गिफ्ट भी है साथ में. और शेयर करने वाले को तो वो एक बार शेयरिंग वाला भी दे दीजिए भैया जो पर्ची है और एक गिफ्ट भी दे दीजिए. ये पका दिए भैया ये शेयरिंग वाले को तो ये जाता है एक मंगलसूत्र. पहले ही कह रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों ने कमेंट किया तो पति देता ही है वो हमारे यहाँ ना इतने ज्यादा बहन विचार घुस चुके हैं समाज में. तो एक भाई अपने बहन को नहीं दे सकता? दे सकता है भाई ने अपने गिफ्ट ही तो दिया. बाप अपने बेटी को नहीं दे सकता? और मैं गया था वहां से ले आया एक ठीक है जैसे मर्जी समझ लो यार उसमें क्या दिक्कत है. ये जरूर है एक तो कस्टमर्स ने कहा कहने के यार मैं तो अनमेरिड हूँ. ठीक है भाई आप अनमेरिड हो लेकिन आप किसी को आगे गिफ्ट दे सकते हो अपनी बहन को दे दो भाभी को दे दो बस जैसे मर्जी समझ लो जी. फिलहाल मैं हाँ ये ले आया था आगे से ये नहीं लेके आऊंगा अभी ये काफी सारे ले आया था मैं. ये देखिए और एक हम कोई सा भी निकाल ले रहे हैं मुझे नहीं पता ये एक हमने निकाल लिया कल के जो शेयरिंग थे आज वालों का हम कल करेंगे. चंचल पटेल जी का ये निकला है भैया आप रख लीजिए चंचल पटेल जी को तो आप ये दे दीजिएगा यदि वो लेकिन इसका भी वो रखिए 2-3 दिन में वो आपको एड्रेस दे देते हैं फोन नंबर भेजते हैं आप उनको दे दीजिएगा. अब एक एलिगेंट पीस दिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया डिजाइन किया था बहुत अच्छा. हमने अभी तक आपको जब भी दिखाया ग्रे मटेरियल के संग दिखाया ये सारे के सारे ग्रे कटदाने थे ग्रे मटेरियल के संग था. ये हमने नया मटेरियल आया था ब्लूश. ये देखिए मैं आपको पास से क्लोजअप दे रहा हूँ ये देखिए ब्लू कलर का कटदाना ब्लू मटेरियल ब्लू कलर की लटकन ठीक है 38 साइज पे बना हुआ. अंदर मार्जिन जो है एक सेकंड मुझे नापे तो इसको
हर एक पीस का क्या होता है, कारीगर जब बनाते समय वो देखता है कि किसमें कितना मार्जिन है, किस तरीके से वो उस तरीके से बनाता है। देखिए मैं वही कह रहा था ये 40 तक जाना चाहिए, लेकिन कारीगर ने क्या किया 40 पे बना दिया, अंतर मार्जिन नहीं है, तो 40 से ऊपर नहीं जाएगा। छोटा आप इसको कितना भी कर सकते हैं, 36, 38, 34, दैट इज इजी, वो इजी है। छोटा करना आसान है, बड़ा करना मुश्किल हो। बड़ा करना जब कपड़ा ही नहीं है तो बड़ा कहां से होगा। इसके संग ये फैब्रिक दिया हुआ, यदि किसी को स्लीव्स लगानी है तो स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ, शॉर्ट स्लीव्स लगती है। और इसके संग साड़ी जो हमने डिजाइन करी है बहुत बढ़िया करी है साड़ी, वगैरह नेवी ब्लू कलर में। अब आवाज वैसे प्रॉपर आ रही है, ये देखिए इसके संग बिल्कुल ही डिफरेंट की है। इसके ये पीस भी हमने मतलब और नहीं बनाए, ये देखिए नीचे कौन सी दे दूंगा, ये सीओडी पे लहंगे और गाउन सीओडी पे नहीं जाएंगे। जैसे ये हो गया, ये सीओडी पे नहीं जाएगा, ये मैं निकलते रहो भैया, रुको कोई मत करो, यहाँ पे काम नहीं रुकना चाहिए, तो मस्ट बी गो ऑन। ये मैंने यहाँ पे नीचे डबल फ्रिल डाली है और यहाँ पे पूरे अलग ढंग से फ्रिल बनाई थी। इसके प्राइस है 2000 रुपीज, 2000 रुपए केवल। ये इसका ये देखिए इस तरीके से पीस आएगा 2000 रुपीज। तो एक डिजाइन कोशिश करी थी अलग हटके बनाने की, और मेरी कोशिश ये रहती है, वैसे भी मैं जब भी यहीं पे माल देता हूँ तो कोशिश करता हूँ एक शहर में यदि 5 आदमियों से मेरा काम हो रहा है, 5 शॉपकीपर्स पे मेरा माल जा रहा है, जो कॉमन डिजाइन है वो सबको दे देता हूँ, जो एक पे जा रहा है कहता हूँ दूसरे को, कहता हूँ भाई आप दूसरा ले लो, मेरे पास 50 डिजाइन होंगे, तीसरे को कहता हूँ आप तीसरा डिजाइन ले लो, चौथे को कहता हूँ चौथा ले लो। आपस में क्यों यार लड़ाई झगड़ा करना है, क्यों मार्जिन कम करना, कंपटीशन करना। जो कॉमन डिजाइन है उसकी बात अलग है, वो तो पूरे शहर में यदि 20 दुकानदार है, 50 दुकानदार है, सब पे टांगा हुआ, लेकिन जो कॉमन डिजाइन नहीं है लिमिटेड आदमियों पे है, तो आप सिंगल सिंगल बेचो और सब जने अपना मार्जिन लेके बेचो। 2000 रुपीज इंक्लूडिंग GST, कोरियर चार्जेस अलग से 100 रुपीज, कोरियर से मंगवाएंगे तो 2100 रुपए का जाएगा। एक और डिजाइन इसमें मैंने अलग ढंग से बनाया था, ये दबके का ब्लाउज दबके के साथ में, और इसके संग ये देखिए ये हमने बनाया, और इसमें भी ये देखिए डबल फिल दिए पूरे के पूरे में, और ये देखिए यहाँ से पास से देखिए आपको पता चले ग्लिटर वाला फैब्रिक है, ये फैब्रिक ही अलग है, ग्लिटर पूरे में किया हुआ, ये इंक्लूडिंग GST जो आपको पड़ेगा, हेड की एडजस्टमेंट आपको सबको खुद कस्टमर को करवा के देनी पड़ेगी, और जो रिटेल कस्टमर है उसे खुद टेलर से करवानी पड़ेगी, बहुत इजीली हो जाती है। ये देखिए 1595 इंक्लूडिंग GST, 1595 रुपए इंक्लूडिंग GST आपको ये पीस पड़ेगा, 1595 रुपए प्लस 100 रुपीज कुरियर के, मतलब ये सारे के सारे डिस्काउंटेड पीस हैं जो मेरे पास सिंगल सिंगल पीस है, मुझे भी खत्म करने होते हैं, किसी में 200 घटाए, किसी में 400, किसी में 300, किसी में 500 भी घटाने पड़ते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन लास्ट पीस होते हैं तो उसके बाद मेरे पास पीस नहीं है, तो जो पहले बुक कराएगा उसी को पीस जा पाएगा, बाद में आप सोचें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बहुत कंटिन्यूस लोगों की बुकिंग आ रही है बहुत तेजी के साथ में, इसके संग सीक्वेंस का ये लगाया और पूरा इसमें पूरा पल्ला लिया, इसमें पल्ले को हमने पैक नहीं किया, पल्ला पैक नहीं किया कि हमें ये लगे कि फ्लेयर पल्ले में अच्छा लगेगा, और अलग हटके कुछ बनाना भी होता है। ये इंक्लूडिंग GST इस ब्लाउज के संग 1000 रुपीज, 1000 रुपए केवल इंक्लूडिंग GST, कुरियर चार्जेस अलग से 100 रुपए, 100 रुपए स्पेशल, उसमें भी डिस्काउंट करा हुआ है 20 रुपए का, 120 रुपीज के आसपास लगते हैं हमारे कुरियर से ऑल ओवर इंडिया की जो सेटिंग है 120 रुपीज है, लेकिन इसमें मैं वो 20 रुपीज अलग से वो भी डिस्काउंट दे रहा हूँ, नहीं तो सब महंगे थे 1400-1500, मतलब कैसे कोई कैसे वो है। एक डिजाइन मैं पहले आपको गाउन का कह रहा, मैं एक आपको
जो गरारे शरारे होते हैं उसमें एक शरारा दो सारा। देखिए ये डिजाइन देखिए पीस कैसा लगा आप ये बताइएगा, पहले आप दूर से देख लीजिए। सत्ती भाई जी को येलो कलर की साड़ी दिखा दीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से और ये इसकी स्लीव्स हो गई, ये मैं पास में लाके आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ। येलो कलर की नीचे से भी येलो कलर की साड़ी लगा। किस पे सिल्क में किस में रेडी टू वेयर में हो गया दो मटेरियल पड़ी है उसमें ले आओ। ये 1800 रुपीस 1800 रुपए केवल। ठीक है मैं इसको भी यहीं टांग देता हूँ, उसके कलर भी दिखाता हूँ उसी में आपको। इसमें भी चार कलर आएंगे। ये देखिए पहले तो आप इसको पूरा का पूरा आपको ये देखिए बीस दूनी 40 40 पे बना हुआ पीस। अंदर वही मार्जिन है, 3-3 इंच का दोनों साइड मार्जिन है, लेकिन हम 2-2 इंच मानेंगे यानी 44 तक ये जा सकता है, क्योंकि अंदर थोड़ा सा दबाने में चाहिए होगा ना, 44 तक बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। अब इसमें ये स्लीव्स के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी हाइट का यहां से मैं दिखा दूं आपको, तो ये यहां से यहां तक जो ये रहा 27 समझिए 27 है 27 मतलब यहां से हम यहां पे नापेंगे तो ये जो आ रहा है ये 26 आ रहा है जी। यहां से नाप रहे हैं 26 है और ऐसे नापते हैं तो ये 27 हो जाता है। यहां से नापते हैं 26-27 जैसे मर्जी समझो। ये इसका वो है और ये देखिए ये इसका प्लेन दुपट्टा हो गया, प्लेन दुपट्टा जैसे उसमें लगा हुआ था। पहले आपको ये दिखा दूं पीस, उसके बाद इसके प्राइस भी बताऊंगा। ये देखिए और ये इसका पजामी वुश फैब्रिक और बता दो फैब्रिक क्या है इसका। जॉर्जेट फॉक्स जॉर्जेट है, फॉक्स जॉर्जेट के ऊपर बना हुआ ये पीस। हाइट इसकी सब की जो होती है 44 पे होता है 44 पे। ठीक है और पजामे का भी जो साइज है बहुत अच्छा साइज है, मैं आपको नाप के बता देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सारे के सारे इस तरीके से इतनी डिटेल में बोल नहीं पाते। 21-42 एक पंचे का साइज है, 42 साइज है। ठीक है और अंदर इसके नीचे भी चूंकि पैर दिखाई ना दे ये इस तरीके से इनर दिया हुआ था, इनर दिया होता है ताकि पैर ना दिखे, फॉक्स जॉर्जेट में पैर दिखते हैं वो भी दिया हुआ है। तो ये आपको है 1800 रुपीस 1800 रुपए का केवल। इसकी भी बुकिंग जिसको ने लेनी है जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी जा पाएगा। और ये चार्जेस अलग से हैं, मैं समझता हूँ इसमें भी दिखाना भैया एक पीस फिर से ₹200 में, ये भी ₹200 में चला जाएगा आई थिंक, ₹200 में चला जाएगा। मतलब मैं ₹200 की बुकिंग ले रहा हूँ ना खत्म कर, ₹200 की बुकिंग है तो ये आपको कोरिया से मंगवाते हैं तो 2000 रुपीज, शॉप पे आते हैं तो 1800 रुपीज। ये इसमें तीसरा कलर ग्रीन दिखा दिया, रानी दिखा दिया और ये नेवी ब्लू, ये वैसे नेवी ब्लू नहीं कहना चाहिए, मोरपंखी ब्लू या जर्मन ब्लू जैसे मर्जी कह लीजिए। तो बहुत प्यारा पीस, साइज की एडजस्टमेंट तो आपको कस्टमर को करवानी पड़ेगी। बहुत प्यारा कलर ये पीस पे और ये वाइन पट रही है और ये वाइन कलर। ठीक है चार कलर होगा इसमें, चारों के चारों पीस हिट हैं, सुपर हिट डिजाइन्स हैं। पीस कैसे लगे आप मुझे बताइएगा जरूर और मैं आपको एक दो आइटम और दिखा देता हूँ। एक वो दिखा दीजिए अब क्या, येलो साड़ी हाँ येलो साड़ी दिखा रहा हूँ मैं आपको। येलो साड़ी अभी कस्टमर ने मांगी थी, मैं येलो साड़ी लेके आया हूँ। ये देखिए लेदर वाला डिजाइन,
मैं पास से लाके इसको क्लोजअप भी दे देता हूँ। ये देखिए बस वो दूर रहेंगे दे तो गाड़ी ठीक है। और ये इसका भी अभी मैं आपको साइज भी नाप के बता देता हूँ। सब 38 साइज पे बने होते हैं, वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको 38 साइज पे बने होते हैं। अंदर मार्जिन होता है दोनों साइड, 40 तक ओपन हो सकते हैं। स्लीव्स के लिए थोड़ी सी नेट दी हुई है इसमें, कि किसी को स्लीव्स चाहिए तो। और इसमें इस तरीके से बना हुआ है, ये बूटा हो गया इसका, बूटा बना हुआ है। और ये साड़ी हो गई, और ये क्रिस्टल फैब्रिक पे बनी है, सुप्रीम बलून पे नहीं बना, क्रिस्टल फैब्रिक पे बना हुआ है। मेरे पीस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये देखिए इसका जी कहेंगे ना, से चार सड़ लेती है, चारों के फैब्रिक बहुत अच्छे हैं और सबने शादी में मेरी बहुत तारीफ की है। थैंक यू। कौन कह रही है? हां आकांक्षा नीरज मिश्रा। हैं आकांक्षा नीरज मिश्रा, अपरांशा जी। हां जी थैंक यू अपरांशा जी। अपरांशा जी कह रही है, आकांक्षा जी सॉरी आकांक्षा जी कह रही है चार साड़ी ली थी आकांक्षा जी ने, चारों के फैब्रिक अच्छे हैं, सब लोगों ने तारीफ करी, बस हमें यही चाहिए कि कस्टमर तारीफ कर दे, और कस्टमर लोग मतलब आपकी तारीफ करेंगे तो आप हमारी अपने आप करेंगे, यही चाहिए। प्राइस वाइज भी बहुत बढ़िया हो कस्टमर को, और आइटम वाइज भी फैब्रिक वाइज भी बहुत अच्छी है। ये देखिए इसका फ्लेयर, देखिए फ्लेयर कितना अच्छा, आप घुमा के ही एक बार में स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा होगा फ्लेयर, आई डोंट थिंक सो कि फ्लेयर आ रहा होगा इसका, चाहे तो बहुत बड़ा है। घुमा लीजिए, घुमा के दिखा दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, आप भी घुमा लेना ठीक है ना भैया। पीस देखिए, अब मैं इसको पास से लाके आपको पहले क्लोजअप देता हूँ, फिर देख फिर बाकी के बाद इसके बारे में बाकी बात बाद में बताऊंगा। देखिए कोड वर्क का काम जरी के साथ में, स्टोन वर्क का काम बेल्ट पे भी और नीचे भी। हो गया नीचे इसमें जैसे लगाया हुआ है, मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ, बाद में इसके प्राइस बताऊंगा लास्ट में, पहले आप पीस देख लीजिए। ये इस तरीके से किया हुआ है, नीचे डबल केन केन लगाई हुई है, और केन केन भी ये सस्ती वाली केन केन नहीं है, महंगी वाली केन केन है, बारीक केन केन है, अलग तरह की है। और ये उसके नीचे भी फिर पेस्टिंग करके बड़ा पूरी बड़ी पेस्टिंग करके डबल केन केन लगाया हुआ, ताकि घेरा ज्यादा है। बहुत अच्छा इसका गेटअप आता है ठीक है। और ये इसके ये देखिए दुपट्टा, दुपट्टे में इसके बॉर्डर पे वर्क देखिए, ₹8200 का है ये, होगा ना ब्लाउज। चलो नीचे रह गया होगा, कोई बात नहीं, ये इसका ब्लाउज शायद नीचे रह गया होगा। 8200 का ये पीस है, इंक्लूडिंग GST, और आप इसके कोरियर चार्जेस नहीं बता सकता। कम से कम मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हैवी है 500-600 रुपये होना चाहिए, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, उससे कम नहीं है। और लहंगे और गाउन हमेशा पेमेंट पे जाते हैं, एक आइडिया बता रहा हूँ, बाकी तो इसका वेट करा जाएगा, इसके साइज किया जाएगा, उसके बाद ही एग्जैक्ट प्राइस बता सकता हूँ उसके कोरियर के। वैसे भी मैं ये कहता हूँ लहंगे, मोहिनी जी कह रही है वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन। मोहिनी थैंक यू, मोहिनी जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आयशा जी। एक ये देखिए हैवी लहंगा, बहुत हैवी, पूरा भरा हुआ। इसका फ्लेयर के लिए मुझे ऐसे आ रहा है, मतलब पकड़ने के लिए दोनों साइड से पकड़ ला, एक स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा मोबाइल की स्क्रीन पे। हो गया, मैं पास में लाके आपको उसको क्लोजअप दे रहा हूँ। ये देखिए ठीक है, और मैं इसको ऊपर धीरे धीरे करूँ। देखिए नीचे मटेरियल कितने अच्छे से इस्तेमाल है, कई तरह के स्टोन वर्क और पोत का काम सब कुछ इसमें इस्तेमाल हो रहा है।
और इसका ब्लाउज भी मैं आपको दिखा दूं, इसमें पीछे ही अटैच किया हुआ है। हर एक में क्या होता है अलग अलग ढंग से, किसी में हम दुपट्टे के साथ करते हैं, किसी में किसी के साथ करते हैं, फ्रंट बैक और स्लीव्स सब कुछ दिया हुआ है इसमें। इसका दुपट्टा उठाइए पहले, इसका बस ये 7850 रुपए का पीस है। बॉर्डर देखिए कितना हैवी बॉर्डर दुपट्टे का, और ये माथा पट्टी का एक काम किया हुआ जो ऊपर लेते हैं सर के ऊपर लिया जाता, तो इस तरीके से लिया जाता है। डबल दुपट्टा जिसमें भी चाहिए तो एक दुपट्टा आप एक्स्ट्रा परचेज कर लीजिए। दुपट्टे हमारे पास भी होते हैं, सबके पास होते हैं, सारी काफी सारे कस्टमर कहते हैं सर डबल दुपट्टे का दिखाओ, दूसरा दुपट्टा जिस तरह का आप लहंगा ले रहे हो उस तरह का बॉर्डर लग के उससे मैचिंग कर उसमें साथ में दिया जाता है। आप मुझे एकदम सॉफ्ट फैब्रिक में साड़ी चाहिए जो बॉडी एकदम स्लिम दिखाए। सबसे बेस्ट सॉफ्ट फैब्रिक में चाहिए ना लेखरा की साड़ी ले लो। लेखरा की सरी सरी जो होती है वो होती इसलिए है, बस बेटा बस आज काफी है, कि लेखरा की सरी सरी जो ली जाती है वो इसलिए ली जाती है कि स्लिम। बाकी एक बात और बता दूं, जो स्लिम है वो तो देर तो पहनते ही पहनते हैं, जो हेल्दी होते हैं वो जनरली क्या होते हैं स्लिम फिट की पहनते हैं ड्रेसेस सारी की सारी, ताकि पतले दिखें। जो पतले होते हैं वो थोड़ी खुली खुली पहनते हैं, ये सच्चाई है। आपने बहुत सारे तो खैर फैशन में कम है, लेकिन अभी भी लड़के वो देखे होंगे ना वो शर्ट बाहर निकाल लेते हैं, कर क्या होते हैं एक्चुअल में। सच्चाई जो है कमर बिल्कुल पतली है, लड़कियों से पतली कमर है। अब लड़कियों से पतली कमर करें क्या, अदरवाइज मत लीजिएगा, मतलब जो होता है ये माना जाता है लड़के पतली होती है, तो इसलिए उनकी कमर बहुत कम है। अब वो कमर इतनी कम देखेंगे तो सब जने मजाक बनाएंगे, क्या करें मैं उसका शर्ट बाहर निकाल दें डिजाइन हो गया क्या, ये अब मेरी कमर नहीं दिख रही, ये सच्चाई है। और जो थोड़े हेल्दी होते हैं वो बिल्कुल टाइट सांस रोक के, वो एक टीवी में यदि आपको याद हो एक एड आता था लिफ्ट में दिखा रहे हैं हेल्दी से आदमी, एक सुंदर सी लड़की चढ़ी सब सांस रोक के यूं पेट अंदर, कहता भाई साहब मैं वो है, अब वो तो ये दुआ कर रहा है कहते बस भाई लिफ्ट रुक गया बहुत देर हो गई सांस रुक गई, जैसे ही वो बाहर निकलते वजह वो मेन बात आप समझने के पर्पस करिए, वो तो उन्होंने एक एड बना दिया एक स्टाइल बना दिया, लेकिन ये सच्चाई है। आपने उसमें क्या देखा मुझे नहीं पता, मैंने उसमें एक चीज देखी कि हर एक जना अपने को फिट चाहता है, फिट रहना चाहता है, तो फिट रहने के लिए हमें अपने साथ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसी तरीके से कपड़े चूज करते हैं जो हेल्दी होते हैं पतले लेते हैं स्लिम फिट के लेते हैं। अच्छा वैसे भी है जिसके डोले छोले बने हुए हैं, एक पोस्ट करिए लड़का है तो क्या चाहेगा कि मेरी जो वो हो ना शर्ट के जो हो वो यहाँ तक हो नजर आना चाहिए, और बहाने वाने से क्या करें और भाई क्या हाल है और सब बढ़िया। अब बढ़िया तो कर रहा यूं यूं करके ऐसे कर रहा है, वो धर्मेंद्र साहब नहीं थे वो डांस भी कौन सा करते थे मैं जट्टे, आप समझिए डोले दिखा रहे हैं वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, सलमान खान नहीं शर्ट उतार दी व्हाट इज द मीनिंग, वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं पर्सनैलिटी दिखाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से सब सेम लड़कियों को होता है गर्ल्स का होता है, सबको जो होता है अपनी उसके हिसाब से ड्रेसेस चूज करते हैं, सारी गर्ल्स वुमेन्स सब उसी हिसाब से ड्रेसेस चूज करती हैं, जो हेल्दी होती हैं उन्हें स्लिम फिट चाहिए होती है। तो लेखरा जो मना कर रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन आपको पतले लगोगे अच्छे लगोगे। अच्छा वैसे भी क्या होता है एक और भी होता है जॉर्जेट पे, लोग कहते हैं ये जॉर्जेट पे आप रेडीमेड साड़ी क्यों नहीं लगाते, हमने यहाँ से पैक कर दिया, आप उस साड़ी को प्रेस कैसे करोगे, जॉर्जेट रिंकल फ्री फैब्रिक है नहीं, आपको उसके लिए रिंकल फ्री करने के लिए उसमें प्रेस मारनी पड़ेगी, प्रेस मारोगे प्रेस उसको कर नहीं सकते ऊपर से वो है पैक है कह देता, हमें फैब्रिक जो जितने मैंने साड़ीज बनाई वो रिंकल फ्री बनाई। अब ये डिजाइन किया, अब एक बात समझिए इसमें क्या किया, इसमें प्रेस का लफड़ा खत्म कर दिया, प्रेस की लफड़ा खत्म कर दिया, प्रेस नहीं होगी क्यों पूरे में क्रशिंग कर दी। अब क्रशिंग है ठीक है मुसी, और वो क्या होता है उसमें कहीं से है ही नहीं, इसे जरूर इसे प्लेन करा तो इसको आप प्रेस कर सकते हो, नीचे प्रेस करे बगैर पहनी नहीं जाएगी, इसको हम यदि ज्यादा वो कर देंगे तो आपको मुसी जाएगी, फिर क्या होगा पॉक्स जोड़ जाते इतने आराम से होती नहीं, हल्की सी प्रेस मार दी। इंडियन फैब्रिक सारे के सारे ऐसे होते हैं, इम्पोर्टेड फैब्रिक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बाहर के लोगों ने वहाँ पे लेबर बहुत महंगी है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी चीज़ें इस तरीके से डिजाइन करी, इस तरीके से करी कि हमने मेहनत कम से कम करनी पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े ज़्यादा, उन्होंने सब चीज़ें इस तरह से बनाई
कि हमें रिंकल फ्री बने, प्रेस ना करनी पड़े, मेहनत ना हो, बस इतनी सी बात है। बाकी बस आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और छोटी सी बात मन की बात में कहूँगा, सुबह भी मैंने इस तरह की पोस्टिंग करी थी फेसबुक पे भी, और उस पर पोस्टिंग करी थी अपने पेज पे, मेरा पेज बना हुआ मन की बात। वक्त को हम चाहे तो सोना बना लें, चाहे सो के निकाल लें, है दोनों सोने ही। ये खाली बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनके लिए कहना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, अच्छा सोते हैं, सुबह सुबह नहीं उठते। बहुत बढ़िया ठंड हो रही है, इस समय क्यों उठा जाए, सोने दो। काफी सारे बच्चों के साथ काफी सारी माँ परेशान होंगी, माँ बाप परेशान होंगे बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे सोते रहते हैं, उठते नहीं है, ठंड हो रही है, मम्मी हाँ ठंड हो रही है, सोने दो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, खड़े हो जाते हैं। जो मेहनत करेगा वक्त वो आगे करेगा, क्या होगा, आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ उससे नॉलेज आएगी, जब वो पढ़ेगा लिखे मतलब कुछ ना कुछ करेगा। यही कहते हैं पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाओगे, कोई कहता है पढ़ लिख के कोई मतलब दुकानदार बन जाओगे, शॉपकीपर, नहीं कोई नहीं कहता, हर एक जना कहता है पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर्स को हमारे देश में, आज भी हमारे देश में क्या वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है, एक एग्जांपल हमेशा उनका दिया जाता है। ऐसा थोड़ी जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने मतलब और बहुत सारी डिग्रियां हैं, वो सब कम पीछे हैं, कमजोर हैं, कहीं कम है। आईएएस के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एग्जाम्पल हमेशा डॉक्टर इंजीनियर का ही दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मेन बात खैर टॉपिक कहीं से कहीं जा रहा है कि बच्चों को यही कहिए, बेटा सो के वक्त मत उजाड़ो, इस वक्त को कीमती है, बहुत कीमती है, इसे सोना आप खुद बना सकते हो। एक बात कहिए, आप मेहनत करिए, सर्दी वर्दी ठंड वगैरह सब चलती रहती है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मेहनत करो, बस कामयाबी आपके कदम चूमेगी अपने आप। नंबरों के पीछे मत भागो, पढ़ाई के पीछे भागो, नंबर तो अपने आप जगमला के आएंगे पीछे, नंबर आते ही नहीं आते डजंट मैटर। लेकिन ये कन्फर्म है कि जब जिंदगी की दौड़ में सब साथ में भागेंगे तो अब बहुत आगे होंगे। नंबरों के पीछे वो पिक्चर देखी थी ना, थ्री इडियट्स, चमत्कार बलात्कार, वही हो जाएगा, कुछ नहीं, रेक्टिफिकेशन नहीं, बच्चों को यही समझाइए। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने आप और हम सब अपने जीवन में उतारे तो बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी। धन्यवाद, आप सब लोगों को अपना ध्यान रखिए, आप सब लोगों का ध्यान, शुक्रिया।